What's up guys, this is Shikhar the beard biker, and thank you so much for all the lovely wishes and good luck that I am getting for my Zoya. Ab Zoya, kuch log puch rahe Zoya kaun hai bhai, follow karo agar nahi kar rahe ho to Zoya kaun hai, Instagram ki ID aa rahi hogi yahan pe. Zoya hai wo, Instagram pe pata chalega Zoya kaun hai. Abhi kya program hai, program ye hai ki ye hai mera naya helmet aur ye hai GoPro. अब अनफॉर्चुनेटली मेरा GoPro टूट गया था, मैंने इस पर माउंट नहीं किया है अभी तक, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए कि GoPro को आप किसी भी हेलमेट पे बहुत ही परमानेंट वाले तरीके से माउंट कैसे करोगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली चीज़ आपको चाहिए हेलमेट जिस पे माउंट नहीं होगा, उसके बाद चाहिए आपको GoPro को माउंट्स. ये है एक स्ट्रेट माउंट एंड दिस इज़ द कर्व्ड माउंट. के बाद जे माउंट कैमरे को लॉक करने के लिए, उसके फ्रेम्स होल्डर्स, ऐसे और माउंट्स अगर कहीं और प्लेस करना हो तो डक टेप, डॉक्टर टेप, दिस इज द मास्किंग टेप ऑल्सो, एम सील, एराल्डाइट. सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, एक कपड़ा. वो किस लिए, जो भी डस्ट पार्टिकल्स अगर बाई चांस कुछ है हेलमेट पे तो जस्ट वाइप इट ऑफ. कुछ फैंसी हैंकी पैंकी टाइप्स नहीं करना है, बस थोड़ा कपड़ा मार के साफ कर दो, उसके बाद साइड फेंक सकते हैं आप इसे. देन हम लेंगे मास्किंग टेप, और जिस एरिया में हमें माउंट करना है, इस एरिया में अगर हमें माउंट करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बेस पे मास्किंग टेप. मास्किंग टेप मैं क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ. देखो एंड मेक श्योर कोई बबल ना हो कहीं पे भी, जितने अच्छे से आप इसको पेस्ट कर सकते हो उतने अच्छे से करना. मेन मोटिव है मेरा ये एरिया कवर करना, बट सेफ साइड के लिए मैंने इसमें पूरे में लगा दिया है, बाद में हम इसको पील ऑफ करेंगे, बट उससे पहले इसको अच्छे से लगा लो. सारा कुछ पेस्ट करने के बाद आप देखो एक एक कट पे कर्व पे अच्छे से माउंट कर दिया है हमने इसको, टेप को चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, और आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है. अब हमने करना क्या है करके दिखाते हैं. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगर हमें कर्व माउंट लगाना है तो हम पहले जगह फाइनल करेंगे कि हमें कहाँ पे लगाना है. इन माई केस आई वॉन्ट टू माउंट इट हेयर, बिकॉज जब मैं इस हेलमेट को नीचे कहीं रखूँगा तो मेरा माउंट में जो जे माउंट लगा हुआ होगा वो नीचे ना टच करे. आई जस्ट शो यू. सो ये है जे माउंट. सो मैं इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करूँगा कि मेरा मेरा हेलमेट जब मैं नीचे रखूँ कहीं पे तो ये वाला जो पार्ट है ये टच ना हो, क्योंकि अगर टच होगा तो नीचे से प्रेशर लगेगा, इन सम टाइम इट विल लूजन अप. तो इसीलिए पहले मैं इसको ऐसे रख के देखूँगा, फिर मैं देखूँगा कि मेरा माउंट नीचे नहीं लग रहा. इन माई केस एक उंगली से भी ज़्यादा की जगह है, सो दैट इज़ अ गुड पोजिशन. माउंट को रख के आपने उसकी एक पेंसिल से आउटलाइन बनानी है, जस्ट टू बी वेरी श्योर जब आप लास्ट में पेस्टिंग करेंगे तो एग्जैक्ट सेम प्लेस पे ही पेस्टिंग करें. सो अगर दिख रही हो तो मैंने यहाँ पे ये लाइंस, ये वाली मैंने अपने माउंट को लास्ट में जहाँ प्लेस करना है उसके लिए एक रफ आइडिया बना दिया है. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू हैव इज़, जो माउंट होगा आपका उसका जो नीचे का बेस होता है वो बहुत ही स्लिपरी और ग्लॉसी होता है, तो ग्लॉसी पेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है, वो अच्छे से स्टिक नहीं होता है. आप तो जितना मर्जी अच्छे से कर लेना, उसके लिए क्या करना, एक सैंड पेपर लेना, बैक पैनल रख पकड़ना इसका,
और इसको सिर्फ रब करना जब तक इसमें स्क्रैचेस ना आ जाएं और ये पुराना सा ना दिखने लगे। इन शॉर्ट रगड़ना है, अच्छे से रगड़ना है। लेट्स स्टार्ट। और ये देखो, इसके पीछे से ग्लॉसी ग्लॉसी पन ख़त्म हो गया। आफ्टर दिस व्हाट यू नीड, यू नीड एन एम सील, और इसमें भी दो होती हैं, ये दोनों को मिक्स करना होता है कहीं भी लगाने के लिए। अब करना क्या, थोड़ी थोड़ी एम सील इसमें से निकालना, थोड़ी एम सील इसमें से निकालना, और उसको इसके पीछे स्टिक करना है। ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है क्योंकि हमारा मेन पर्पस है सिर्फ प्लेस करना, अभी भी फिक्सिंग नहीं हुई है। सो इट इज़ डन नाउ, नाउ इट्स टाइम टू पुट इट बिहाइंड द माउंट। Now, when you are done, it's time to put it on your helmet. But उससे पहले क्या करना, जहाँ पर तुमने marks बनाए थे वहाँ पर एक बार इसको हल्के हाथ से place करके देख लेना और देख लेना ये straight है या नहीं। This will look like this. अब जो आपकी sides में जगह रह गई होगी, इसके लिए छोटे छोटे गोले बनाओ और फिल करो गोले एम सील के। कुछ ऐसे ये फिक्स हो जाएगा, एग्जैक्ट जितना माउंट है उतने के ही पीछे एम सील लगाई है मैंने। एंड यूज़ अ पेंसिल इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करी थी बट सब चिपक के उसको हटा रहा था। पेंसिल से मैंने इसके फ्रंट वाले पार्ट से सारा प्लेन किया, कर्व किया, अंदर दबाया और इस पे चिपकता भी नहीं है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन एंड अ वेरी चीप ऑप्शन। एंड आफ्टर दिस आपको ये सूखने के लिए रखना पड़ेगा। ड्रायर वगैरह से सुखाने की कोशिश मत करना, लेट इट ड्राई बाय इट सेल्फ ओनली। एंड मिलते हैं जब इसकी सुखावट कर लेते हैं। ओके, so mount is ready and look at it, it looks like this. Now what we have to do next is, I'll just show you, Araldite ki layer lagegi, but usse pehle we need to take it off kyunki ye jo humne M seal lagayi hai iske niche 3M nahi thi mount ke niche, isliye humne isme M seal laga ke अपना जो हेलमेट का कर्व था वो इस पर बहुत अच्छे से अब तक आ गया होगा। लेट्स टेक इट ऑफ एंड आई जस्ट शो इट टू यू व्हाट आई मीन। और मास्किंग टेप का फ़ायदा ये है, ये कोई निशान नहीं छोड़ने वाली। सो कभी भी आप करो तो सेलो टेप मत लगा के करना, बहुत प्यार से उतरेगी। सो माउंट निकलने के बाद माउंट कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, इसमें जितने भी ये कर्व्स एंड डेप्थ, देखो ये अंदर घुसा हुआ है इसमें, तो ये जो एग्जैक्टली मेरे हेलमेट का जो फ्रंट है ये उसका शेप ले चुका है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मास्किंग टेप था वो भी हट गया, एम सील ने इसका बेस बना दिया है। नाउ जब मैं इसको इस पे रखता हूँ तो जो पोजिशन पर मैंने इसको सेट किया था सेम उस पोजिशन पर ये सेट भी हो गया है बहुत आराम से। देखो कोई गैप नहीं है। नाउ स्टेप थ्री, स्टेप वन था मास्किंग टेप, स्टेप टू था एम सील लगाना, उसको फिर सूखने के बाद निकालना। नाउ स्टेप थ्री इज Araldite। Araldite यूज़ करने के लिए आपको ये दोनों ट्यूब्स निकालनी है एंड विद हेल्प ऑफ अ पेंसिल आपको ये मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद ये जो इसका बेस है इस बेस पे लगानी है ताकि ये इस
ये चीज़ इन फ्यूचर, इन सम टाइम जब आप बाइक चलाओगे या ये हेलमेट रखा रहेगा या लोग देखेंगे या कुछ भी होगा तो ये एम सील टूटने लगती है, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करती है टूटने से. सो लेट्स मिक्स दिस एंड डू द कवरिंग पार्ट. सो कुछ ऐसा एक शाइनी सा कोट हो जाएगा आपके माउंट के ऊपर जब आप एराल्डाइट की एक लेयर लगा देंगे. लेट इट ड्राई फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स, वॉट एवर इट टेक्स. आई सजेस्ट लेट इट ड्राई फॉर एन आवर और सो, उसके बाद आगे का प्रोसेस फिर समझाएंगे आपको. वो सो गाइस, लगभग मैंने 2 से 3 घंटे इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था. बाकी अपने मैं जो मेरे सेपरेट वर्क से मैं उन्होंने निपटा रहा था, इतने बाद टाइम ये सूख गया. इतनी देर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप चेक कर लेना, जब भी आपको ये सूख जाएगा आप उसको यूज़ कर सकते हो. इन माय केस आई वांट टू बी लाइक रिलैक्स्ड और समथिंग काइंड ऑफ दैट वाला थिंग कि भाई ज़्यादा टाइम लग जाए बट कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं ख़राब होना चाहिए. तो कुछ ऐसा आ गया है ये, अब ये देख रहे हो पूरे में शाइन हो रही है, शाइनी शाइनी उसमें टेक्स्चर आ गया है, बट ये सूख चुका है. और जो हमारे माउंट का इसने शेप लिया था जब हमने फर्स्ट स्टेप किया था, तो इस माउंट के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट भी बैठ रहा है. देखो एग्जैक्ट उसी शेप में आ गया है जिस शेप में हमने इसको माउंट किया था. इस 3M की टेप को यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर एक एक स्ट्राइप लगाने के लिए. एक से ज़्यादा स्ट्राइप मत लगाना एंड स्ट्राइप लगाना ऐसे लंबे में, क्योंकि एक से ज़्यादा स्ट्राइप लगाई तो फिर इसको बेस जो हमने इसको बनाया, इसको बनाने का पर्पस विल बी फेल. एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपने एक बार इसको इस पर पेस्ट कर दिया है तो उसको दोबारा पील ऑफ करके दोबारा मत चिपकाना, वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है. सो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है. सो ये कुछ ऐसा हो गया है. अब इसको फाइनली पेस्ट करने से पहले एक बार प्लेस करके देख लेना अपनी जगह पे, क्योंकि बाद में ये हटाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. परफेक्ट. सो एग्जैक्टली उसी शेप में इसको पेस्ट कर दिया है और बहुत ही क्लीनली पेस्ट हुआ है ये. आमतौर पे एम सील के साथ जो लोग माउंट करते हैं इतना क्लीन पेस्ट नहीं करते, वो साइड में फैला देते हैं. अब इसमें क्या होगा कि मैं कभी भी इस माउंट इस पे बेस पे अपना जी माउंट लगा सकता हूँ जब मैंने कैमरा लगाना है, और अगर मैं कैमरा नहीं लगा के राइड कर रहा हूँ तो मैं अपना जी माउंट निकाल दूंगा और ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं क्रिएट करने वाला. हाँ थोड़ी सी लुक जाएगी, गंदा है पर अपना काम है, कुछ नहीं कर सकते भाई, गंदा है पर धंधा है. अब इसको प्रेशर डाल के कुछ देर के लिए रख दो. अप्रॉक्सीमेटली आई सजेस्ट यू एक दिन इसको छोड़ दो एंड मास्किंग टेप से पूरा मास्किंग कर दो इसकी, ताकि प्रेशर हमें इसके ऊपर कुछ टाइम तक रहे. मेरे केस में मैं क्या करूँगा, मैं एक बहुत ही पतली सी, इतनी सी पतली सी लेयर बनाऊँगा एम सील की जो इसके कॉर्नर्स में लगाऊँगा एंड उसके बाद मास्किंग टेप से इसको सील कर दूँगा. सो कुछ ऐसे इसको लगाने के बाद मैंने मास्किंग कर दी ऊपर से भी. अब इसको हम कल शाम तक के लिए छोड़ देंगे टू बी ऑन द सेफर साइड. एंड उसके बाद जब हम इस माउंट को निकालेंगे, ये इतना हार्ड हो गया होगा कि आप इसको माउंट से पकड़ के भी हेलमेट को उठा सकते हो. कर मत लेना, पता चले माउंट बाहर आ गया हेलमेट भी बाहर आ गया, प्लीज़. ओके जोक्स असाइड, ये अब फिक्स हो गया है. लास्ट प्रोसेस तो जो था हमारा प्रोसीजर तो हमने फुलफिल अच्छे तरीके से सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया है. मास्किंग हो गई है, इसके नीचे हमने दोबारा, मैंने बहुत ही पतली सी, इतनी सी बहुत पतली सी लेयर बना के एम सील की उसको और लॉक कर दिया है ताकि 3M के अंदर भी हवा ना जाए. एंड इन फ्यूचर अगर हमें कभी ये हटाना भी होगा तो बहुत ही क्लीनली ये हट भी जाता है. सो विद दिस सेड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दिस इज शिखर द बियर्ड बाइकर साइनिंग ऑफ. लव यू गाइज, बाय बाय.